विशेष अवसरों पर फहराने के लिए राष्ट्रीय झंडा ऊन सिल्क या खादी के कपड़े का ही होना चाहिए। आकार आयताकार होना चाहिए 3:2, यानी लंबाई 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट। ध्वज की चौड़ाई से 10 गुना लंबा ध्वज स्तंभ या पोल अच्छा माना जाता है। झंडा फहराने के लिए हमें झंडे के साथ ध्वज स्तंभ यानी पोल और एक डोरी या पतली रस्सी की आवश्यकता होगी। डोरी हमारे ध्वज स्तंभ से दुगनी लंबी होना जरूरी है। यदि आपका ध्वज दंड या पोल चक्री वाला है तो आप डोरी का एक सिरा हमारे ध्वज दंड की चक्री या कड़े में से निकाल लेंगे और फिर इसके दोनों सिरों को ध्वज के साथ बांधेंगे। हमारे ध्वज के एक साइड में 2 छोटी डोरियां होंगी, इनमें हम हमारी डोरी के दोनों सिरों को बांध देंगे। यहाँ हमें ऐसी गांठ लगानी है कि वो ध्वज को बांधते समय खुले नहीं। आप ऐसी गांठ भी बांध सकते हैं जो आसानी से एक सिरा खींचने पर खुल जाती है, और ऐसी गांठ भी बांध सकते हैं जो फिक्स रहे। आप यहां 2 गांठ भी लगा सकते हैं ताकि गलती से गांठ खुल न जाए, वरना ध्वज गिर भी सकता है। दोनों डोरी के सिरे झंडे में बांध देने के बाद हम झंडे को फोल्ड करेंगे। आप झंडे में फूल रखना चाहें तो उन्हें बीच में रख दें। अब हम झंडे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हरा रंग नीचे रहेगा और केसरिया रंग ऊपर रखेंगे। छोटा झंडा है तो 3 फोल्ड, और यदि झंडा बड़ा है तो 6 फोल्ड भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि केसरिया रंग ऊपर रहे। फोल्ड करने के बाद हम नीचे वाली डोरी यानी कि जो हरे रंग वाले हिस्से से बंधी है, उस डोरी से झंडे पर एक गांठ लगा देंगे। वो गांठ ऐसी होगी जो नीचे वाली डोरी को खींचने से खुल जाए। आप देख सकते हैं हमें गांठ किस तरह लगानी है। आप गांठ को अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि यह अपने आप ना खुले। हमारा झंडा तैयार है। इसे आप ध्वज दंड या पोल पर लगा सकते हैं। चक्री वाले या कड़े वाले पोल में हम रस्सी का ऑरेंज तरफ वाला सिरा खींचेंगे और हमारा ध्वज पोल पर ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम दोनों डोरी को ध्वज पोल पर बांध देंगे। जो डोरी नीचे की तरफ वाली है उसे ढीला रखेंगे। यदि आपके पास चक्री वाला पोल नहीं है तो पोल के ऊपर के सिरे पर केसरिया रंग के तरफ वाली डोरी को बांध देंगे और नीचे के तरफ वाली डोरी को ढीला छोड़ते हुए पोल में बांध देंगे। हमारा झंडा फहराने के लिए तैयार है। मुख्य अतिथि द्वारा झंडा फहराने के बाद नीचे वाली डोरी को भी हम फ्लैग पोल में बांध देंगे। झंडा फहराने वाले मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट लोग झंडे से 3 कदम पीछे खड़े होंगे। परेड का लीडर झंडा फहराने से पहले परेड को सावधान करेगा और झंडा फहराने पर परेड को सलामी की आज्ञा देगा। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान होगा। झंडा फहराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। झंडे को यदि भवन पर फहरा रहे हैं तो भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर फहराएं। राष्ट्रीय झंडे के पोल पर दूसरा कोई झंडा नहीं फहरा सकते हैं। कागज या अन्य किसी भी तरह का झंडा कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। झंडे को कपड़े या मेजपोश की तरह कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फहराते समय केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए। झंडा जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। झंडे पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त या खास मौके पर झंडे में फूल रखे जा सकते हैं। फटा या मैला झंडा नहीं फहरा सकते हैं। झंडा फट जाने या क्षतिग्रस्त होने पर एकांत में सम्मानपूर्वक जला देना चाहिए। झंडा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले ही फहरा सकते हैं।
रात में झंडा तभी फहराया जा सकता है जब वो बहुत ऊंचा हो और पर्याप्त लाइट हो। केवल वीआईपी लोग जैसे बड़े राजनेता और बड़े अफसर ही अपनी गाड़ी पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।